पनौती की बात आती है, मान लीजिए कि मोदी जी पनौती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब से अपने मतलब पार्टी का कमान अपने हाथ में लिया है श्रीमती सोनिया गांधी जी के बाद, जब उन्होंने अपने कमान हाथ में लिया, हर राज्यों से, हर प्रदेशों से, हर जिलों से, हर विधानसभा लोकसभा से सुपड़ा साफ होने लगा, तो सबसे बड़े पनौती तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी हैं, इसीलिए तो सुपड़ा साफ हो रहा है। अब लगन लगा लो मोदी से, लगन लगा लो मोदी से, लगन लगा लो मोदी से, भारत स्वर्ग बनाना है तो मोदी को ही लाना है। मोदी जी योगी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। 2024 का 2040 तक मोदी जी का राज्य चली, बीजेपी ऐबे करी, हम का कर सकीला। मोदी तो हम कहे रोक है ना के हो पाई, मोदी योगी के झोंका, अबुआ बबुआ राहुल मुरई का खई है चोखा। और उसके आगे गुरु ओकरे आगे बनारसी लोग कहा ना, अरे काजू का बर्फी भुलाई जाई हाँ, और 2025 में फिर मोदी जी आई हाँ। 24 में को मोदी जी को पनौती बोल दिया राहुल गांधी ने जी। आपको थोड़ा सा याद होगा, पिछले बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, 2014 में चौकीदार चोर है बोला गया था, 19 में, हाँ 2014 में चाय वाला बोला गया था, 2019 में चौकीदार चोर है, और 2024 में बोल रहे हैं पनौती है, तो रिजल्ट तो आपने देखा भी था। तो जनता को जवाब देना है ना, किन किन चीज़ों की नीतियों को समर्थन करें आपने, और चूजा होगा और भी बाइट लेंगे तो आपको सबको ओपिनियन पता चलेगा। और यहाँ की जनता जो बनारसी है, सुधा उनको अपने हाथों तले बैठाए रहते हैं, मोदी जी से इतना उनका गहरा लगाव है, मोदी जी उनका कई चीज़ों आप देखो खुद प्रदर्शित करते हैं, चीज़ों को मतलब एक खुद अपना व्यक्तिगत जुड़ाव के लिए। और यहाँ की जरूरत जी जी, अरे व्यक्तिगत मतलब पूछिए मतलब उनका कितना स्नेह रहता है और क्या नहीं भी रहता है, तो अभी जनता में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या परिस्थितियाँ, उनके बारे में वो विशेष ध्यान रखते हैं। आपका नाम सर, आपसे नाम जान लिए, ये बताइए आपके सांसद जी को पनौती बोल दिए राहुल गांधी जी कि देश के लिए 10 सालों में पनौती बन गए, कैसे देखते हैं बनारसवासी, कैसे देखते हैं अपने सांसद के लिए जो राहुल गांधी ने बोला? देखिए बनारसवासी मोदी जी को एक अच्छा नेता मानते हैं, कारण क्या कि जब से मोदी जी आए तब से बनारस में कहा जाता है, चर्चा होता है, आप किसी से पूछेंगे कि वास्तव में जो विकास होना चाहिए बनारस की, जो पिछले 14 से पहले की पहचान थी और बनारस की अब की पहचान, चाहे रोड हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हो, बढ़ी हैं, और रही बात विकास तो किया, हाँ विकास तो किया, रही बात पनौती की, तो समझ होती है जो व्यक्ति धर्म के लिए, सनातन के उद्धार के लिए काम कर रहा है उसको पनौती बोलना वही बोल सकता जो स्वयं सनातन से बहुत दूर है, जो स्वयं अपने आप को भारतीय न मानता हो। और वास्तव में अगर कोई से कहाँ दूर है, राहुल गांधी तो आजकल केदारनाथ गए थे, केदार बाबा का दर्शन करके आए हैं, उनके माधव मंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ की राम मंदिर में कांग्रेस का भी योगदान है, तो राम वो तो आप चाहते हैं कि सनातन का पार्ट बने, सनातन राम का बनना चाहते हैं, वो तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है ना, कारण क्या है कि जनता को दिखाने के लिए, चुनावी दिखावे के लिए कर रहे हैं, उनको संस्कृत का एक शब्द नहीं पता होगा, उनको गायत्री मंत्र नहीं पता होगा, वो क्या धर्म के प्रति जानेंगे, बस उनको तो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं राहुल गांधी जी, तो वो तो इतिहास सबको जानता है किस फैमिली से आते हैं, आप आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास देख लीजिए उनका, कैसे कैसे मिलन हुआ और किस प्रकार से आप कर रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, वो तो ईसाई हैं, ईसाई के बाद अब आकर के जो है प्रोपेगेंडा रच रहे हैं सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्वार्थ के लिए, वो तो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मैच्योर नेता को क्या कह सकते हैं, पनौती कहना उनकी समझ ही उतनी है, क्योंकि वह व्यक्ति जो सनातन के लिए काम कर रहा है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए जी रहा है, जो व्यक्ति 4 घंटा केवल जो सो रहा है, बाकी हमेशा देश की हर गतिविधियों पर नज़र रख रहा है, उस व्यक्ति को पनौती कहना वो राहुल गांधी की एक छोटी सोच है, सोची बहुत छोटी सोच है राजू। जैसे पनौती शब्द आ रहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तैसी एक दोहा है, अगर हम जैसे हैं वैसे दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही, अगर पनौती की बात आती है, मान लीजिए कि मोदी जी पनौती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब से अपने मतलब पार्टी का कमान अपने हाथ में लिया है श्रीमती सोनिया गांधी जी के बाद, जब उन्होंने अपने कमान हाथ में लिया, हर राज्यों से, हर प्रदेशों से, हर जिलों से, हर विधानसभा लोकसभा से सुपड़ा साफ होने लगा, तो सबसे बड़े पनौती तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी हैं, इसीलिए तो सुपड़ा साफ हो रहा है, खुद को बचा ले, और उनकी क्योंकि वो कांग्रेस की जहाज डूब रही है और उसको डुबाने वाले भी राहुल गांधी हैं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं मत बोलिए, उनके नेतृत्व में इतने सारे राज्य जीते, कर्नाटका जीत गए, पंजाब जीते थे, आपके राजस्थान जीते हैं। नहीं फिर भी क्या है कि जो बहुमत है,
जो पंजाब जो है उसमें आम आदमी पार्टी है, अब बहुमत जो भी है आप भाजपा के देख लीजिए। और राजस्थान में तो थी उनकी पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व में जीते थे, छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी। नहीं नहीं उनके नेतृत्व में नहीं जीते थे, उनके नेतृत्व में अगर जीतते तो हार जाते और हार ही रहे हैं, अब इस बार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जो पनौती कर सबसे बड़े पनौती कांग्रेस के लिए वो बने हुए हैं। हाँ, और जो बनारस की बात करते हैं तो एक और हमने अपने ठेठ बनारसी में एक कविता लिखा था 2019 में जब प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव था, तो उस समय कहा था, हाँ तो हम कहे रोके न के हु पाई मोदी योगी के झोंका, अबुआ बबुआ राहुल मुरई का खई है चोखा। और उसके आगे गुरु ओकरे आगे बनारसी लोग कहा ना, अरे काजू का बर्फी भुलाई जई हाँ, 2025 में फिर मोदी जी आई हाँ, 24 अच्छा 24 में 25 में तो योगी जी का। ठीक है गुरु, आपने बोल दिया। देखिए मोदी जी जो हैं ना एक धर्म के और एक जात के प्रधानमंत्री नहीं है, 130-140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। एक संविधानिक पद होता है, एक गरिमा वाला पद होता है। आप जब एक गरिमा वाले पद पे किसी संविधानिक पद पे व्यक्ति को डायरेक्ट अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, उनको जब आप बोल देते हैं कि चोर है और पनौती हो गया है, अब उन्होंने बोल दिया कि जेब कतरे भी हैं मोदी जी, कि लोगों के आम लोगों के जेब काटते हैं और अडानी और अंबानी का खजाना भरते हैं, कैसे देखते हैं इस बात को? अडानी अंबानी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी थे ना, जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 पहले उस समय भी अडानी अंबानी थे, लेकिन उस समय इन लोगों के सीने पर सांप नहीं लौट रहा था। लेकिन अभी क्या है कि राष्ट्रवादी सरकार देश में बनी हुई है, कहीं ऐसे बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसे आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, हर मतलब हर तरह, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सफाई हो, हर चीज़ में थोड़ा बदलाव आया है। 2014 के पहले बनारस कैसा रहा सब देखत रहा, ये बनारस के साथ सौतेला व्यवहार विपक्ष का सरकार करत रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से सांसद भल हुआ आप देख ला के बनारस के चारों तरफ रिंग रोड हाईवे पूरा एकदम प्रयाग से लेकर बनारस, सोनभद्र से लेकर बनारस, गाजीपुर से बनारस, आजमगढ़ से बनारस, आप ठीक है। आपने बनारस की बात करी भाई साहब, आपने बनारस की बात करी, थोड़ा देश की बात पे आते हैं। बनारस में ठीक है मोदी जी ने किया क्योंकि वो लोग यहाँ के सांसद हैं, मोदी जी सांसद हैं, पर देश स्तर में बोल रहे हैं कि बेरोजगारी कर दी है और पूरा कमर तोड़ दिया है और अमीरों के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लेखपाल उस समय थे, भाई साहब ही सिटी मजिस्ट्रेट थे और आप भी कमिश्नर थे, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी सब लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी हम लोगों की छीन ली गई। क्यों? लेकिन जितना कहे थे उतना पॉपुलेशन के अनुसार जितना मोदी जी ने कहा था हाँ कि हम करेंगे उतना वो नहीं किया। ग्राउंड रूट पे आप जाएंगे जब तो आपको ये खासा दिक्कत होगी, हर चीज़ राशन और हर चीज़ वो नहीं होता, विकास तो हाँ। नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है एक मतलब जितना भी काम हुआ है एक विशेष मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, उसी का काम ग्राउंड पे दिखा और मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं दिखा। ठीक है, और 10 सालों में सिर्फ एक नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री के अलावा और किसी मिनिस्ट्री ने सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया मोदी जी के? नहीं, सभी लोगों ने किया। कारण क्या, दिखना कितना, सामाजिक साहब तो यही दावा करें, भाई साहब का दावा भाई साहब के हिसाब से अपने हिसाब से वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर विभाग में काम हुआ। कारण हमारे देखने का नज़रिया किस विभाग के प्रति, हमारा इंटरेस्ट किसके प्रति है, चिकित्सा भी सही हुआ, स्वास्थ्य भी सही हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए आयुष्मान कार्ड उनकी योजना चल रही है, 5 लाख तक का हमारे पास है कार्ड, तो हम जाके दवा करा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूँ एम्बुलेंस तो 112 हमारा समय से आ ही रहा है, 112 करें 1090 क्या बोलते हैं 98 112 के थ्रू सब हो रहा है। अब तो सब इमर्ज हो गया, सभी प्रशासन एम्बुलेंस सब एक साथ हो गया, लेकिन अस्पताल की सुविधा आप देख लीजिए, पहले रहता था लाइन लगाना, दवा ना मिलता था। और आपको बता दूं कि जन औषधि केंद्र से जो दवाइयां सस्ते मिल रही हैं, पूरा कोरोना में हम लोगों ने देखा किया, लेकिन हम सबको लगा कि मोदी जी के एक सौजन्य से कम एक तो यह है कि चिकित्सा क्षेत्र में सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, ज़रूरतमंद को सही चिकित्सा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं, देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, हमको लगता है कि हाँ काम हुआ है। आप क्या बोलेंगे भाई साहब ने बोला कि 10 सालों में सिर्फ नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री को अलावा और ऐसे किसी ने सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया है, संतोषजनक काम नहीं? अभी 2024 आने वाला है, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी भाई, जैसा फसल बोएंगे वैसा हम क्या है कि फसल काटेंगे, जनता अगर 2024 में जवाब देगी। लेकिन ये लोग क्या है कि ये लोग फिर वही रोड़ते हैं, ईवीएम खराब है तो बेईमानी हो रही है। ये तो नहीं बोल दीजिएगा कि ईवीएम खराब है चुनाव, ईवीएम का एक चीज और है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको दिक्कतें दिखेंगी।
एक एक बात बताइए, आपने बोला जैसा पेड़ बोएंगे वैसा फल मिलेगा, कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस वाले जो एक आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी ने जब बबूल का पेड़ बोया तो आम कहाँ से खाएंगे, पहले राहुल गांधी को पप्पू बोला, फिर झूठों का सरदार बोला, तो ऐसे अब वर्ड्स राहुल गांधी के लिए यूज़ करेंगे तो बोल रहे हैं हम कांग्रेस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पनौती और जेब कतरा बोल रहे हैं, तो फिर बीजेपी वाले को दिक्कत क्यों हो रही है, फिर आम जनता को दिक्कत क्यों नहीं। देखिए राहुल गांधी ने कोई तो उन्होंने पप्पू बोला था ना झूठों का सरदार, भाई बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, बोलने वाले को कोई रोक सकता है, हम बोल रहे हैं तो क्या आप रोक रहे हैं क्या है। कोई रोक नहीं सकता है, फिर भी क्या है कि तो मैंने बताया 2024 में जवाब मिलेगा, उसके ज्यादा उसे हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसमें तो 25 पार्टियों का एक गठबंधन हो गया, इस बार तो दावा किया जा रहा है, लग रहा है कि 25 पार्टियों का 24 में जवाब मिलेगा, बताइए सर नाम क्या हो गया आपका। नाम हमारा शुभम पांडे भोले गुरु। देखो किनाराम की कोठी से बताइए कौन से घाट पे बैठे हुए, घाट तो एकदम दिखाई दे रहा, सर्वे सर्वा दशाश्वमेध घाट है। हाँ आ देखो किनाराम की कोठी से, माँ गंगा के गोदी से, विश्वनाथ के चोटे से पुकार हो रही है, अब लगन लगा लो मोदी से, लगन लगा लो मोदी से, लगन लगा लो मोदी से, भारत स्वर्ग बनाना है तो मोदी को ही लाना है, भारत स्वर्ग बनाना है तो मोदी जी को लाना है, वरना देश का दुर्दिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब भैया ये देखिए आज आया है देव दीपावली का पर्व, ठीक है, अब ऐसा भीड़ जो था इससे पहले मतलब 10 साल पहले नहीं देखे थे, ठीक है, आज देखिए क्या है, इतने भीड़ हो रहे हैं, हम लोग का भी रोजी रोजगार ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, बाकी देखिए इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ तो गलतियां हर जगह थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं, अब अकेला मोदी जी नीचे क्या क्या देखें, गली देखें कि सड़क देखें कि बीमार व्यक्ति को देखें, किसको किसको देखें मोदी जी, ठीक है, अब एक व्यक्ति चोर है तो सभी को चोर नहीं बना देंगे बाबू, आज चाहे पप्पू रहे, चाहे चौकीदार है, चाहे चाय वाले रहे, हमको तो कहना है पंडिताई, लेकिन मोदी जी का ठीक है भैया काम धाम हमको अच्छा लग रहा है, हमारा रोजी रोटी भी आज देश से नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं हमारे पास, हमारा पेट एकदम चल रहा है चकाचक। भाई साहब एक बार आ गया ये, नाम बताइए आपको, पहले नाम क्या है। कौतुक नाम हुआ हमारा, आप बनारस के ही हैं। हम तो बनारस के रहने वाले हैं। देखिए आपने दो चीज़ें पूछी ना, एक 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 मैं पनौती पे बोल के चलता हूँ समय अभाव के कारण, और दूसरा आपने कहा रोजगार, तो यहाँ पे खड़े सभी लोग को मैं बताता हूँ, आप बनारस के हो? नहीं नहीं हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, कितनी बार यहाँ पे आए अभी? ये अभी पाँचवीं या छठी बार आ रहे हैं। देव दिवाली को ही आते हैं? नहीं वैसे भी आते हैं। 2014 से पहले नहीं आए ना? यही रोजगार का जनरेशन है कि आपको मोदी सरकार ने नौकरी दी क्या? नहीं नहीं। अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास शिक्षा है, तो आप रोजगार छीन सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो ये मोदी जी की ही डेवलपमेंट है कि आज बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े रिपोर्टर यहाँ आके रिपोर्ट ले रहे हैं और इस पूरे को कवर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर एक आरोप लगता है, एक आरोप लगता है कि ठीक है राम मंदिर बन रहा है, पर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, और योगी और मोदी जी जो इतना दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर खाने को थोड़ी ना दे देगा किसी को। राम मंदिर के आसपास आप जाएंगे जब, तो अभी तो आप देखें कि कॉरिडोर का वहां पर कितना नुकसान किया गया, उनको राम मंदिर बनाने के लिए जो राम मंदिर करा जाए, मतलब टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जाए और मतलब धर्म को बढ़ाया जाए, लेकिन वहां पर आप, मैं भी अयोध्या के बगल सुल्तानपुर से हूं, वहां पर ग्राउंड लेवल पर आप जाएंगे तो वहां के जो जनमानस है वो बहुत बहुत नुकसान हुआ है। आप करिए, मतलब करिए, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, नुकसान है। और एक चीज, ये जो कहते हैं कि आज के पहले कुछ हुआ ही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है कि 50 साल में किए गए कामों को भूला नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि 50 साल में जो काम हुआ है कांग्रेस सरकार में उनको भी भुलाना नहीं चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 10 सालों में ही हुआ है, लेकिन काम तो वास्तव में 10 जो 50 सालों में उन्होंने किया वो मोदी जी ने 10 सालों में अकेले किया, ये भी मायने रखता है। विकास जो होता है वास्तविक विकास, वो तो हमको इधर देखने को मिला, 30 साल 32 साल हमारी भी उम्र हो गई, लेकिन हमने भी देखा, लेकिन जो विकास का दौर इस समय देखा वो हमने पहले नहीं देखा। ये एक राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, अभी
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में। एक जो दावा कर रहे हैं विपक्ष वाले कि सिर्फ बीजेपी और योगी और मोदी का राम मंदिर नहीं है, ये पूरे देशवासियों का है, एक पार्टी का वो नहीं होना चाहिए। बोल रहे हैं कि इसमें बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, मोदी जी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पहल किसने किया? सरकारें उनकी भी बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा, मोदी जी से कुछ नहीं बन। सुप्रीम कोर्ट में लड़ा किसने केस? सुप्रीम कोर्ट में केस किसने लड़ा? उन्हीं के लोगों ने लड़ा। और सुप्रीम कोर्ट और समर्थन जनता से किसने इकट्ठा किया? उन्हीं के लोगों ने इकट्ठा किया। तो काम तो जिसने किया वास्तव में मोदी जी ने किया राम मंदिर के लिए, काम तो कांग्रेस ने भी किया राम मंदिर के लिए। बोल रहे हैं कमलनाथ जी कि हमने भी योगदान किया है, हमने भी ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। वो केवल राम भक्त होकर किए होंगे, लेकिन कांग्रेस में होने के बाद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने राम मंदिर के लिए कोई पहल किया। सर्वाधिक मंदिर मत को तोड़ने का काम किसी ने कांग्रेस ने ही किया। और कांग्रेस क्या दावा करेगी? उनको तो हिंदुत्व का ही नहीं पता, हिंदुत्व तो होता क्या है? जो व्यक्ति जिनके लोग भगवान को गाली दें वो व्यक्ति कैसे कह सकता है? काल्पनिक बताते हैं भगवान श्री राम को। अभी तो मैं एक न्यूज पे देख रहा था राम भद्राचार्य जी को, जगत गुरु जी को, तो कांग्रेस का इतिहास वो भी बता रहे थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए वास्तव में पहल किसने किया? तो मोदी सरकार के लोगों ने किया, मोदी ने किया, उनके लोगों ने माहौल बनाया कि प्रभु श्री राम हैं और उनके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ी गई, जीता, प्रभु श्री राम का भव्य जो है राम मंदिर बन गया है, जल्दी उसका उद्घाटन जी भी मोदी जी ही करेंगे। तो जिसने किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। भाई साहब पंडित जी, राहुल गांधी और उनके पार्टी वाले कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि ठीक है पहले राम का विरोध किया होगा, सनातन राम श्री राम को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बता दिया था कि जो श्री राम थे वो काल्पनिक है और मिथ्या है। वो अब बोल रहे हैं कि नहीं, राम मंदिर बनवाने में हमारा भी योगदान है। क्या लगता है, विश्वास करिएगा? योगदान किसका है? वो एकदम पब्लिक एकदम सफा जान रही है, मोदी जी योगी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, ठीक है। उसके बाद कॉरिडोर वहाँ जो बना है, कितने रोजगार जो हैं वहाँ पे होंगे, चाहे रेलवे से लेकर चाहे बस स्टैंड हो, अगल बगल ऑटो स्टैंड हो, अगल बगल जितनी दुकानें होंगे, नए नए होटल वहाँ बनेंगे, न्यू। भाई साहब तो कह रहे हैं कि लोगों को परेशान किया गया, घर तोड़ दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ग्राउंड पे हम है ना, हम ग्राउंड की स्थिति आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पर जो लोगों की बुनियादी सुविधा है, जो उनका घर द्वार था वो तोड़ा, आप बनाइए। देखिए कष्ट तो यहाँ भी हुआ था जब यहाँ पे बना था कॉरिडोर, हाँ, लेकिन अब वहाँ के लोग भी समझ गए, क्योंकि जिस घर में लोग रहते थे उस घर में वो दुकान चला रहे हैं भैया, और कॉरिडोर बनने पर हमारा ही नहीं सभी का यहाँ पेट पालन हो रहा है, तभी तो यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं। आज 5 लाख पर्यटक आए हैं ना यहाँ पे काशी में, ये पहले आए थे? नहीं आए थे भैया, यही 8 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था, 8:30 बजे आए हम, देखिए यहाँ 10 बजे रहा है, 10:30 बजे एकदम रात को रहते, 12 बजे तक रहते हैं, नहीं तो हम लोग 8:30 बजे आरती खत्म हो, बुढ़िया बिस्तर माने घर चले गए। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा वो बनेगा, मंदिर बनेगा, तो थोड़ों को कष्ट उठाना पड़ेगा। थोड़ा भैया कष्ट तो होगा ही, अब उसमें क्या है, कुछ जिसको जहाँ पे हो भैया, इतना बड़ा घर बनाया सभी को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, या हम ही हैं यहाँ पे सभी को, यजमान को संतुष्ट नहीं, कोई यजमान कहता लुटेरा, हाँ भाई लुटेरा है, उसी तरह कोई चोर कहता है, कोई बेईमान कहता है, सभी का सुनना पड़ता है, सभी एक समान नहीं होते हैं। 2024 के इलेक्शन रहे हैं, आपके यहाँ से सांसद जी, आपके योगी मोदी जी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, क्या भविष्यवाणी करेंगे 24 में, क्या लग रहा है? भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवर्ता नहीं है भैया, भविष्यवाणी करते तो हम यहाँ नहीं बैठे रहते, हम कहीं और रहते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल सा पंडित जी हैं, बस दाल रोटी बस चलता है, भगवान का इतना एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या उम्मीदें हैं 2024 का, 2040 तक मोदी जी का राज चली, बीजेपी ऐबे करी, हम का कर सकीला? मोदी जी खुद ही अपना लिख दिए हैं, लिख दिया मोदी जी, जान रहे कि हम गलत हैं, नहीं तो हम कहाँ से जाएंगे? अगर आप गलत चोर रहेगा तो पुलिस को देख के तुरंत भागेगा ना, और चोर नहीं रहेगा तुरंत एकदम सामने से जाएगा, क्या करेगा पुलिस वाला? इसी तरह वो गलत है, नहीं तो वो जान रहे कि मेरी सरकार तो रहेगी, जहाँ गलत करेंगे वहाँ पे। आप 2040 बता रहे हैं, राहुल गांधी तो सपना देख रहे हैं कि 2024 नहीं तो 2029 में बनेंगे, 25 पार्टियों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने, या सपना देखना चाहिए ना, सपना सबको देखना चाहिए, हम ही सोचा कि हम ही मोदी जी बन जाए।